नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज शर्मा, आप देख रहे हैं डीके मोटर लाइफ। आशीष कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अभी यामाहा शोरूम राजापुरी। क्या करने जा रहे हैं भाई? बाइक खरीदने। किसकी बाइक? मेरी बाइक। तो बाइक पसंद आ गई है या हम देखने जा रहे हैं? अभी टेस्ट ड्राइव भी हो गया है आज। उठाने जा रहे हैं? उठाने जा रहे हैं। पैसे वैसे हैं जेब में? तो भाई लोग अभी हम जा रहे हैं राजापुरी यामा के शोरूम में, और जो एक बाइक थी कल हम टेस्ट ड्राइव को मतलब करके आ गए थे, और जो भी उसकी मतलब जो भी उसका अमाउंट था वो हमने पता कर लिया। फाइनली हम जा रहे हैं अभी शोरूम पे और बाइक आपको दिखाएंगे, चला के भी दिखाएंगे, उसकी थोड़ी टेस्ट राइड दोबारा लेंगे, उसके बाद उस बाइक को हम फाइनल करेंगे, फिर जाके हम पेमेंट करके वो बाइक अपने घर को लेके आएंगे। हाँ यही है ना? हाँ यही है, पर टेस्ट ड्राइव ले रखी है, फिर भी एक बार अपनी पर्सनल वाली के लेंगे जो हमने लॉट मंगवाया है। हाँ, जो लॉट हमने मंगवाया है फिलहाल तो वो वाला अभी जो टेस्ट ड्राइव वो लेंगे, है ना? अगर क्योंकि पसंद आती है तब। हाँ एक्चुअली लास्ट टाइम भी ऐसी हुआ था जब हम रॉयल एनफील्ड लेने गए थे बाइक, गन मेटल ग्रे, हाँ 17 में गए थे, तो उस केस में हमारे साथ क्या हुआ था, जो हम जो हमारा वहाँ पे जो लॉट पड़ा हुआ था हमने वो उठा लिया, लेकिन नेक्स्ट डे हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि वो बाइक जो थी वो एक साइड को झुक रही थी, तो हम नेक्स्ट डे शोरूम पे गए दोबारा, हमने उसको एक्सचेंज कराया, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। इसीलिए अब जो हम बाइक लेते हैं कभी भी, तो पहले उसको टेस्ट ड्राइव अच्छे से ले, जो आप बाइक ले रहे हो उस बाइक की, जो टेस्ट ड्राइव के लिए बाइक रखी होती है वो बाइक नहीं, जो आप ले रहे हो उस बाइक की टेस्ट ड्राइव लो, अच्छे से लो बिल्कुल, उसके बाद उस बाइक को फाइनल करो, देन आप पेमेंट करके फिर वो अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन जो भी करवाना प्रोसेस वो आगे करवाओ। तो फिलहाल मेरे घर से लगभग डेढ़ या दो किलोमीटर है दूर राजापुरी जो यामा का शोरूम है, तो फिलहाल सीधा वहीं जाते हैं, फिर आपको बाइक का एक वॉकआउट दिखाएंगे, नेक्स्ट उसके बाद जो भी पेपर वर्क होंगे वो होगा, उससे पहले एक राइड ले लेंगे, ठीक है? क्या यार इतनी मुश्किल से, तो मतलब रेड लाइट पार करने वाले थे, एक सेकंड मतलब रेड येलो ही हो गए हैं, क्या यार येलो पर यार यहाँ पे एक तो यार रेड लाइट ना इतनी छोटी छोटी होती है, दिमाग खराब होता है साला, इससे अच्छा तो पैदल चल जाते। आशीष अंदर अंदर से जाते हैं ना, इससे अच्छा पहुँच जाते हम सही से। हाँ यार अंदर अंदर जाते तो सही पहुँच जाते, क्या यार अरे बाइक की बात कर, बाइक से अगर आते हम तो कब का पहुँच चुके होते। चल कोई बात नहीं, बाइक से तो लेके बैठते ना, तो चलो कोई बात नहीं, शुभ काम में थोड़ी सी देरी हो जाती है, क्यों भाई? धैर्य रखो। किशन जी की कहावत थी ना, क्या बोलते थे, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, है ना? हमारा MT 15 है। तू तो पहले रिवील कर रहा है यार, ये तो गलत बात है ना दीदी, ये काट देंगे। चल ठीक है काट देंगे, क्या करेंगे, काट देंगे, चल समझ रहे हो भाई, ऐसा है ये मेरा छोटा भाई है, ये जा रहा है बाइक लेने अपने लिए, इसको मैंने बोला है पार्टी दे दियो, कोई छोटे भाई से अपने पार्टी लेता है, मैं लेता हूँ भाई। आशीष लेंगे क्यों नहीं लेंगे, तू भी लेता है ना? मैं भी लूँगा, बिल्कुल लेगा भाई बिल्कुल, हम छोटे भाई को भी नहीं छोड़ते भाई, हम तो पार्टी तो हम लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है तो मैं चलूँगा। तू कहाँ जा रहा है? खोलूँ क्या? नहीं, पैसे तो मेरे पास है, अरे कैशियर तो मैं हूँ ना, कैशियर तो मैं हूँ भाई, इतना है यहाँ पे जितना मजाक कर लिया वहाँ जाके कोई मजाक नहीं करेगा, वहाँ पे सारे बंदे सीरियस हो जाएंगे, ठीक है? हाँ वहाँ पे ना दिखाना है प्रोफेशनल है। नहीं भाई कोई प्रोफेशनल नहीं है, ऐसा ही है बस, हम छोटे मोटे ब्लॉगर हैं, बना लेते हैं, कभी कभी मौका मिल जाता है। बहुत टाइम से वीडियो मैंने पोस्ट नहीं करी थी, आप तो जानते हैं कोविड के चक्कर में, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। चलो फिलहाल तो रेड लाइट खुल गई है, अब आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। तो भाई लोग अभी आ गए हैं हम लोग शोरूम के, सीधा जा रहे हैं अंदर, देखते हैं कौन सी बाइक पसंद आई है। कौन सी बाइक थी आशीष? MT 15। क्या हाल है भाई? अरे अरे सीधी रख। तो ये भाई हैं जो हमारा फाइनेंस कर रहे हैं बाइक को, और मिस्टर मुकेश, मुकेश जी ये जो है बाइक के मतलब सेल्समैन, हाँ जी, तो हाँ जी इन्होंने बाइक दिखाई थी हमारे को,
तो बाइक फाइनल हो चुकी है और फिलहाल तो हम ले रहे हैं अभी। चलो भैया उसका पेपर वर्क करवाओ, है ना। तू ये ले रहा क्या? अच्छी लग रही है यार। हाँ तू ये ले सकता है, वैसे अच्छी लग रही है। अबे नहीं यार, उसके मुकाबले सही नहीं है। नहीं है क्या? वो उसका अलग ही मज़ा है, इसका मज़ा अलग ही है। अच्छी है ये FG25 है ना। आगे से तो मस्त लग रही है। तो फिलहाल जो भी हम बाइक ले रहे हैं वो है हमारी MT15 और कलर लेकिन हम ले रहे हैं ब्लैक के अंदर। फिलहाल ये थोड़ा सा ब्लूइश कलर में है तो ये हमें इतना पसंद नहीं आया। ब्लैक एक्चुअली ब्लैक होता है। अच्छी लग रही है ऐसे गाड़ी ना भाई, पैसे भी तो अच्छे हैं इसके। ग्रैब रील, ग्रैब हैंडल, बाकी इनके पास गाड़ियाँ और सारी हैं। ये FG25 है, वो FZS, वो भी FZS। तो फिलहाल अभी जो है पेपर वर्क हो रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं। एक्चुअली हम सोच रहे हैं कि यार ये इंश्योरेंस जो 5 साल का कंपलसरी है इसको देखते हैं कि अगर ये हमें इसमें कुछ मतलब मिल जाए। सोच रहे हैं कि यार 5 साल का मतलब इंश्योरेंस ना लेके अगर 1 साल वाला ही फर्स्ट पार्टी मिल जाए और हम जो भी इंश्योरेंस है नेक्स्ट टाइम से वो हम बाहर से कराएँ। तो इस चक्कर में हम थोड़ा सा मैम से बात कर रहे हैं। बाकी जो हमारे पेपर वर्क हो रहे हैं अगर ये ऑप्शन नहीं मिल पाए तो फिर हमारे को जो इंश्योरेंस है 5 साल वाला जिसमें फर्स्ट ईयर आपका जो है वो फर्स्ट पार्टी होता है, बाकी 4 साल आपके जो हैं वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो फिलहाल अभी जो पेपर वर्क के बाद ही बात होगी। ठीक है यार, अगर ऑप्शन मिल गया तो अच्छी बात है ना। चलो बाकी देखते हैं, इसके बाद अब निकलते हैं यहाँ से, मतलब पेपर वगैरह हो जाते हैं उसके बाद फिर टेस्ट राइड लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास ऑप्शन और भी। चलो फिलहाल वेट करो, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वेट करते हैं। काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे, फाइनली मिल गई। नीरज कैसा लग रहा है? खुश है? मज़ा आ रहा। आशीष बढ़िया लग रहा है ना? अच्छी लग रही है ब्लैक में यार, काफ़ी अच्छी है। तो अब तो काफ़ी खुश हो गया नीरज तू? काफ़ी दिन से बोल रहा था, 1 महीने से बोल रहा था कि भाई बाइक चाहिए बाइक चाहिए बाइक चाहिए। MT सोची थी और सेकंड दूसरा था ऑप्शन हमारे पास, लेकिन फिलहाल MT ले ली हमने क्योंकि टेस्ट ड्राइव लिया हमने तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। ये देखो इसका बेस्ट पार्ट, बेस्ट पार्ट तो मुझे इसका ये लगा। वाह। तो थैंक यू मुकेश जी। मुकेश जी इन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प करी और काफ़ी पीसफुल बंदे हैं। अगर आप यामा शोरूम रिसोर्सफुल सहाने ऑटोमोबाइल कहाँ पे राजापुरी द्वारका सेक्टर 3 आए तो बिल्कुल मुकेश जी से मिलिए, ये आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी आपको शॉर्ट आउट करके देंगे। थैंक्स। थैंक यू सर। अरे मैं तो भूल ही गया था यार, केक भी मंगाया भाई ने, तो केक भी कटेगा अभी। ये बिल्कुल इनकी तरफ से है, मुकेश जी की तरफ से है। नहीं नहीं पैसे भी उनके ही हैं। सारे बंदे आ जाओ। हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल हैप्पी बर्थडे। आ जाओ सर बीच में रखना। आओ भाई आओ, आप भी आओ भैया, आप भी तो आप लोग भी आओ यार, सारे बंदे आ जाओ। इसको हटा, इसको हटा, इसको हटा। आ जाओ भैया, आप भी आ जाओ, आ जाओ भैया, आओ यार, जितने बंदे सारे आएंगे। कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करो। कॉन्ग्रेचुलेशन नीरज, हैप्पी बर्थडे। नहीं भाई हैप्पी MT15। चलो फिलहाल तो यार केक कट गया है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि कोविड का चक्कर है तो इसलिए हम लोग अपने हाथ नहीं छू रहे हैं और
प्लेट में जो है हम लोग दे देंगे लोगों को और हम भी खा लेंगे, ठीक है। फिलहाल कोविड के चक्कर में थोड़ा सा अब समझ रहे हो कि माहौल ख़राब है, और जितना एक दूसरे से दूर हो उतना बेटर ऑप्शन हमारे पास रहेगा। फिलहाल तो अब तो खुश है आशीष, चलो ठीक है, थैंक यू। चलो फिलहाल अब मैं जाऊँगा थोड़ा इसका टेस्ट ड्राइव पे और फिर पेट्रोल फिल कराएंगे, इसके बाद जो भी नेक्स्ट ब्लॉग होगा वो आगे आता रहेगा। अब इसके बाद जो सीधा बाइक पे बैठ के जो भी राइड करना है मुझे नॉर्मली, वो मैं चेक कर लूँगा घर जाने के लिए।